सो इन दिस वीडियो हम हमारा जो वीडियो प्लेयर है उसके लिए एक आइकन सेट करने वाले हैं। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो भी हमारा लास्ट बिल्ड प्रोजेक्ट था मैंने उसे सिर्फ रन किया अपना ये डिवाइस कनेक्ट करके USB डिबगिंग से। आप चाहो तो वर्चुअल एमुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रियल डिवाइस का यूज़ करूँ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपकी फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे एक USB डिबगिंग का अंदर इंटरनल ऑप्शन होगा सेटिंग्स में, उसे सिर्फ ऑन करना है। हम हमारे वीडियो प्लेयर की जो आइकन है उसे डिफॉल्ट आइकन से चेंज करने वाले हैं, या एंड्रॉइड की डिफॉल्ट आइकन है। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है और ब्लैक इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि ब्लैक थीम स्टार्टेड है। एंड अगर मैं पीछे आता हूँ डैट्स इट, बट मुझे कुछ ऐसी आइकन चाहिए, सो हम ये कैसे कर सकते हैं, लेट जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक आइकन की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं फ्लैट आइकन्स का यूज़ करने वाला हूँ। फ्लैट आइकन्स एक साइट है जो आपको आइकन्स प्रोवाइड करती है। ओके, एंड जस्ट फ्लैट आइकन्स पे आ जाओ एंड यहाँ पे जैसे भी आपको आइकन चाहिए सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं वीडियो सर्च करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे बहुत सारी आइकन्स है, सो आपको इसमें से जो अच्छी लगे विच एवर आप उसका यूज कर सकते हो। मुझे अपनी वाली अच्छी लगी तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ। सो लेट्स से अगर आपको ये आइकन अच्छी लगती है एंड यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, सो आपको PNG डाउनलोड करना है। एंड एक चीज़ का ध्यान रखें, आप 512 पिक्सल्स में ही डाउनलोड करें। जस्ट यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बट इन माय केस सिंस मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोडेड रखा है, मैं इसे फिर से नहीं करने वाला, सो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। एंड मेरी आइकन कुछ ऐसी है, मैंने डाउनलोड्स में रखी है उसे। ओके, एंड इस आइकन का हम यूज़ करने वाले, सो मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऐप है उस पर क्लिक करो। एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, सो आइकन सेट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि उस आइकन को मैं हटा दूँ जो पहले वाली आइकन से, मैं उन्हें डिलीट करना चाहता हूँ। सो रिसोर्सेज पे क्लिक करो, यहाँ पे मिप मैप करके एक ऑप्शन है, सो ये एंड्रॉइड की बाय डिफॉल्ट आइकन्स इसके अंदर रखी गई, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो मैं नहीं चाहता आइकन से रहे, मैंने हटा देना चाहता हूँ, सो जस्ट क्लिक ऑन इट बोथ दोनों के साथ एंड डिलीट पे क्लिक करो। एंड मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एंड ठीक है, अब जावा पे क्लिक करो, राइट क्लिक, न्यू इमेज असेट, एंड यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट लॉन्चर आइकन्स अडेप्टिव एंड लेगेसी। ओके, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे आप अपने आइकन का कोई भी नेम दे सकते हो। इन माय केस लेट से IC_video_player मैं इसका नाम रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे अब आपको आइकन का पैथ सिलेक्ट करना है, सो जस्ट क्लिक ऑन इट। एंड इन माई केस मैंने उसे डाउनलोड्स में रखा था, तो मैं डाउनलोड्स में जाने वाला हूँ, सो डाउनलोड्स, ओके डाउनलोड्स एंड youtube.png एंड क्लिक ऑन ओके, आइकन इम्पोर्ट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये आइकन थोड़ी सी ट्रिम डो, मीन्स ऐसे एक्स्ट्रा ना दिखाई दे, सिर्फ प्रॉपर आइकन दिखनी चाहिए, सो ट्रिम टू यस। एंड कितनी ज़्यादा ट्रिम चाहिए, अराउंड लेट से 70%, आई थिंक अच्छी लग रही है, लेट से 80 कर देता हूँ। ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट। ओके, उससे पहले एक चीज़ और, हमें बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है, सो प्रीवियस करता हूँ एंड बैकग्राउंड लेयर। अब यहाँ पे आप कलर यूज़ कर सकते हो, एक बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो, मैं एक कलर का यूज़ करने वाला हूँ, सो कलर, एंड मैं वाइट का यूज़ करने वाला हूँ, सो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली उसका हेक्साडेसिमल कोड डाल रहा हूँ, FFFF विच मीन्स वाइट एंड जस्ट डैट। एंड यहाँ पे ऑप्शंस में इन्हें आप एज इट इज रहने दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन फिनिश, एंड इससे हमारा काम हो जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, हमें मैनिफेस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, android manifest.xml। अब यहाँ पे ये जो दो आइकन्स है, क्योंकि हमने पहले इन्हें डिलीट कर दिया था, हमें यहाँ पे दूसरी सेट करनी पड़ेगी। सो आइकन की जगह पे IC_video_player, सिंस मैंने उसका नाम यही रखा है, सो मुझे यहाँ ऑप्शंस आएंगे वीडियो प्लेयर, एंड यहाँ पे राउंड आइकन की जगह पे IC_video_player। ये बाय डिफॉल्ट आइकन्स जनरेट हो जाती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सो अब एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं एंड चेक करते हैं सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। सो फाइनली ग्रिडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर आप ध्यान दोगे तो आइकन ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो दोनों आइकन सेम दिख रहे हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो ये वाली हमारी एप्लीकेशन है, सो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। सो हमने सक्सेसफुली आइकन चेंज कर लिए है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन की एक स्प्लैश स्क्रीन भी हो,
स्प्लैश स्क्रीन का मतलब है एक ऐसी स्क्रीन जो स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है, जैसे मैंने वीडियो ये म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बनाई थी लास्ट कोर्स में, इस पर एक स्प्लैश स्क्रीन थी, ये फर्स्ट स्क्रीन, फिर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही थी। सो अगर आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन में ऐसी स्प्लैश स्क्रीन हो, तो मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उसे देख सकते हो। इन दिस कोर्स मैं इस एप्लीकेशन के लिए स्प्लैश स्क्रीन का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी खुद की कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।